बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यूअलिटी अप्रोच, प्राइमल और ड्यूअल का क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम इकोनॉमिक्स में खास तौर पे ये आ जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में से एक क्वेश्चन मस्ट है जिसमें से प्राइमल ड्यूअल अक्सर पूछ लेता होता है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में ग्राफिकल सोल्यूशन में आपने या सिंप्लेक्स मेथड में आपने मैक्सिमाइजेशन की या मिनिमाइजेशन की, लेकिन टेक्निकली मैं अगर आपको बताऊं तो वी सी दैट देयर एग्जिस्ट सम मैक्सिमाइजेशन कोरिस्पोंडिंग ईच मिनिमाइजेशन, और हर मिनिमाइजेशन के कोरिस्पोंडिंग एक मैक्सिमाइजेशन आपकी मौजूद होती है। प्राइमल फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें प्रॉफिट का फंक्शन है, इसे मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू ये दो कॉन्स्ट्रेन है, ठीक। इसी के कोरिस्पोंड ड्यूअल फंक्शन भी आपको गिवन होगा। इन केस ना दिया हो तो ये बनता कैसे है? मैं आपको बता दूं, प्राइमल में ये अगर मैक्सिमाइज है तो ड्यूअल में हमने करना है मिनिमाइज। प्रॉफिट को तो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के ऊपर स्टेरिक लगा देंगे। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? यहां पे x1 x2 x3 वेरिएबल है और ये दो कॉन्स्ट्रेन के ये कॉन्स्टेंट है। यहां पे ये आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब यहां पे x1 x2 वेरिएबल है, यहां पे हम वेरिएबल बनाएंगे y1। सबसे पहले ये 12 है, इधर आ जाएगा 12y1 प्लस ये 42 है तो 42y2, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया सब्जेक्ट 2। ये x1 के कोफिशियंट है 1 और 2, इसको यहां पे y1 और y2 के फॉर्म में लिखेंगे। मीन टू से ये कॉलम है, इसको रो की फॉर्म में लिख देंगे। वो कैसे बन गया? y1 प्लस 2y2, यहां पे लेस देन इक्वल टू है तो इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पहली वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इधर आ गई। अब ये दूसरा कॉलम है, इसे दूसरी रो बना देंगे, y1 प्लस 4y2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला 4 इधर आ गया। और ये तीसरा कॉलम है, इसे तीसरी रो बना देंगे, 3y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये प्राइमल की मदद से ड्यूअल फंक्शन हमने बना दिया। इन केस आपको ड्यूअल फंक्शन ना दिया हो, प्राइमल की मदद से वो आपको बोले ड्यूअल फंक्शन बनाए तो वो ये बन जाता है। दिस इज माय पॉइंट। यहाँ तक उम्मीद है समझ लग गई होगी आपको। अब काम स्टार्ट करना है, हमने काम स्टार्ट हमेशा ड्यूअल से करना है, प्राइमल से नहीं करना, ठीक है। ये इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, इसके कोरस्पोंडिंग वो हमने वैल्यूज बतानी है जो इस फंक्शन को मिनिमाइज भी करती हूँ। तो इस ड्यूअल से हम स्टार्ट करेंगे। तरीकाकार वही है, ड्यूअल की तीन कॉन्स्ट्रेन है, इन तीन इनक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे पहले, और इसमें स्लैक वेरिएबल्स ये ग्रेटर का साइन है माइनस करेंगे। तो ये बन गया आपका y1 प्लस 2y2 माइनस t1 इक्वल टू 3, y1 प्लस 4y2 माइनस t2 इक्वल टू 4, 3y1 प्लस y2 माइनस t3 इक्वल टू 3। ये तीन इक्वेशन बन गई। अभी फिलहाल इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ये स्लैक वेरिएबल्स को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने y1 और y2 के पॉइंट्स निकालने हैं, उनको प्लॉट करना है। तो स्लैक वेरिएबल जिस वक्त हमने इग्नोर किए तो y1 प्लस 2y2 इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, y1 प्लस 4y2 इक्वल टू 4 इक्वेशन 2, 3y1 प्लस y2 इक्वल टू 3 इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में y1 इक्वल टू 0 पुट किया तो y2 की वैल्यू निकल आएगी, y2 निकल आया 3/2। इक्वेशन 1 में y2 की इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y1 निकल आएगा 3। ये कॉन्स्ट्रेन 1 की वैल्यूज निकल आई है। इक्वेशन 2 में y1 इक्वल टू पुट करेंगे तो y2 निकल आएगा 4/4 इक्वल टू 1, और इक्वेशन 2 में y2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y1 इक्वल टू 4 निकल आएगा।
कंस्ट्रेंट टू। सिमिलरली इक्वेशन थ्री में वाई वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वाई टू इक्वल टू थ्री, और वाई टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वाई वन निकल आएगा थ्री ओवर वन इक्वल टू थ्री ओवर थ्री इक्वल टू वन। ये तीन कंस्ट्रेंट निकल आई आपकी, इन तीन कंस्ट्रेंट को आप ग्राफ की मदद से प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे वाई वन वाई एक्सिस पे वाई टू। वैल्यूज की मदद से सूटेबल ग्राफिंग की है हमने। वाई वन की मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो 0.5 का गैप रख लेते हैं। वाई टू की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसमें भी 0.5 का गैप रख लेते हैं। कंस्ट्रेंट वन में वाई वन इक्वल टू थ्री वाई टू इक्वल टू 1.5, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया। कंस्ट्रेंट टू वाई वन में 4 और वाई टू में 1 है, वाई वन 4 वाई टू 1, इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया। दिस इज आवर कंस्ट्रेंट टू, और कंस्ट्रेंट थ्री वाई वन में 1 है एंड वाई टू पे 0.3 है, वाई टू पे 0.3 वाई वन पे 1, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया। ये थ्री कंस्ट्रेंट बन गई। अब फिजिबल सॉल्यूशन के लिए ओरिजिनल इनइक्वालिटीज में अगर देखा तो ड्यूअल के फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, ये ड्यूअल का फंक्शन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जब भी हो तो कंस्ट्रेंट के ऊपर वाला हिस्सा शेड किया जाता है। तो हमने ऐसा वो कॉमन रीजन निकालना है जो तीनों कंस्ट्रेंट में कंबाइनली एग्जिस्ट कर रहा हो। तो वो मैं पहले ये जरा हाईलाइट कर देता हूं, वो पोर्शन कौन सा है। तो ये पोर्शन है इसे मैं शेड भी कर देता हूं, तो ये सारा हमारा फिजिबल रीजन है। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये 0.3, एक ये 4.0, और दो कॉर्नर पॉइंट्स बने जहां पे दो कंस्ट्रेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक को मैंने ए का नाम दे दिया और एक को मैंने बी का नाम दे दिया। अब इन दो पॉइंट्स में से हमारा कोई फिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ऑप्टिमम पॉइंट्स या फिजिबल सॉल्यूशन ऐसे पॉइंट पे होता है जहां पे दो कंस्ट्रेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं। तो वो सिर्फ दो पॉइंट हैं, एक या तो ए है या बी है। इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है जिस पे हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकलेगा, उसको फिर देखने के लिए आपने निकाल दिया स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन के लिए आपने ड्यूअल का जो प्रॉफिट फंक्शन था उसे वापस लिखा। ये है ड्यूअल का जिसे मैं मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट स्टेरिक का फंक्शन 12y1 प्लस 42y2। तो प्रॉफिट स्टेरिक है 12y2 के लिए सोल्व कर लेंगे। ये y2 की वैल्यू इधर ही रही, ये 12 उधर जाके माइनस हो गया। और ये 42 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गई आपकी y2 की इक्वेशन। इसका डेरिवेटिव लिया, स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया dy2 over dy1।
तो ये जीरो हो गया, माइनस 12/42 ये डेरिवेटिव आ गया। इनकी कटिंग की ट्वेंटी वन, मजीद इनकी कटिंग की टू ओवर सेवन आ गई स्लोप ऑफ द लाइन। माइनस का साइन इग्नोर किया, ये सिर्फ बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो ये स्लोप बन गई 2/7। वाई टू की वैल्यू 2 है, वाई वन की वैल्यू 7 है, तो स्लोप की एक लाइन लगाई वाई टू पे 2 का पॉइंट ये, और वाई वन पे 7 का पॉइंट। 7 पॉइंट हमारी रेंज से बाहर है, तो वो स्केलिंग हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है, उसके लिए फिर बेटर ये है कि इस स्लोप को 2 पे डिवाइड किया जाए। तो इन दोनों वैल्यूज को 2 पे डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें आपकी स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यूज पे डिवाइड कर देने से। तो ये आ गया -1/3.5। अब y2 की वैल्यू 1 है ये पॉइंट, और y1 की वैल्यू 3.5 है ये पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ द लाइन। ये डैश लाइन ये स्लोप ऑफ द लाइन है, इसी के पैरेलल मैं पॉइंट बनाता हुआ आगे गया, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट बन जाती है इस बी पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट पे स्लोप ये नहीं बन रही, ए पॉइंट पे स्लोप ये बन रही है, तो स्लोप हमारी निकल आई टेंजेंट इस बी पॉइंट पे। इसका मतलब है ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकलेगा ये बी पॉइंट हमारा। अब बी पॉइंट पे वैल्यूज कौन सी हैं उसको देखने के लिए देखना पड़ेगा ये किन दो कंस्ट्रेंट से मिलके बना है पॉइंट। तो एक तो ये कंस्ट्रेंट 2 है, और दूसरी ये कंस्ट्रेंट 1 है। कंस्ट्रेंट 1 और 2 के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बना है, तो कंस्ट्रेंट 1 और 2 की मैं वैल्यूज यहां पे लिखूंगा। कंस्ट्रेंट 1 और 2, कंस्ट्रेंट 1 से इक्वेशन 1 थी और कंस्ट्रेंट 2 से हमने इक्वेशन 2 बनाई थी। ये कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैं लिखूंगा, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा। इन दोनों कंस्ट्रेंट को माइनस किया 1-2, इन दो कंस्ट्रेंट को माइनस करूंगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये y1 कैंसल, -2y2 इक्वल टू -1, और ये माइनस माइनस कैंसल, y2 आ गया 1/2 और 0.5। इस y2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये रही इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में ये y2 की जगह 1/2 पुट किया आपने। y1 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, ये 2 की इससे कटिंग हो गई, इधर आया 1 और ये 1 इधर आके 3 से माइनस हो गया, तो y1 इक्वल टू 2 आ गया। ये y1 और y2 के पॉइंट ये आपके ऑप्टिमल पॉइंट हैं, फिजिबल सॉल्यूशन के पॉइंट्स हैं आपके। इन पॉइंट्स को आपने b पॉइंट में पुट कर देना है, ये हमारे ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर प्रॉफिट फंक्शन में, ड्यूअल के प्रॉफिट फंक्शन में मैं पुट करूं तो आपकी प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएगी। अब इन्हें प्रॉफिट फंक्शन में पुट करने से प्रॉफिट स्टेरिक इक्वल 12y1 + 42y2, 12y1 2 + 42y2 1/2, 2 पे कटिंग हुई 21, 24 + 21, तो प्रॉफिट आपकी निकल आई 45। ये ड्यूअल फंक्शन मिनिमाइज हो गया। अब डमी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए, जो स्टार्ट में हमने 3 इक्वेशंस बनाई थी विद द हेल्प ऑफ डमी वेरिएबल्स,
ये मैं तीन वापस लिखता हूँ और इनमें वाई वन और वाई टू की वैल्यूज पुट करके टी वन टी टू टी थ्री की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। इस इक्वेशन में y1 और y2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 ओवर 1 ओवर 2 माइनस t1 इक्वल टू 3, 2 की कटिंग 2 प्लस 1 3, तो ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, t1 इक्वल टू 0 निकल आया। y1 y2 की इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 4 वन ओवर टू माइनस टी टू इक्वल टू फोर, इसकी इससे कटिंग टू प्लस टू फोर, ये फोर इधर जाके फोर से माइनस हो जाएगा, तो टी टू इक्वल टू जीरो निकल आया। इक्वेशन थ्री में वैल्यूज पुट करेंगे थ्री ओवर टू प्लस वन ओवर टू माइनस टी थ्री इक्वल टू फोर, तो सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव, सिक्स पॉइंट फाइव ये इधर जाके माइनस होगा फोर से, तो टी थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है, ये अदर देन जीरो इसकी वैल्यू निकल आई है। क्लियर हो गई बात, ये पांच वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं, तीन ये डमी वेरिएबल्स और दो आपके ओरिजिनल वेरिएबल्स ड्यूअल फंक्शन के। इन वैल्यूज को बेस बना के हमने मूव करना है प्राइमल की तरफ। प्राइमल फंक्शन ये आपका जिसमें आपने मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट्स को, ये मैं प्राइमल फंक्शन दोबारा लिख रहा हूं। और ये इसकी दो कंस्ट्रेंट थी, इन दो कंस्ट्रेन की इनइक्वालिटीज को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करके इनमें डमी वेरिएबल्स ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे लेस देन इक्वल का साइन है इसलिए मैं डमी वेरिएबल ऐड करूंगा। तो ये बन गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस एस वन इक्वल टू ट्वेल्व, यहां से आ गया टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस एस टू, इक्वेशन इसे ए कह दें इक्वल टू 42, इसे बी कह दें। इक्वेशन ए में एस वन माइनस करेंगे डमी वेरिएबल, इक्वेशन बी में एस टू माइनस करेंगे डमी वेरिएबल। अब इसमें वैल्यूज जो पुट करनी है वो कैसे आपने पुट करनी है ये जरा ध्यान से समझ लें। ड्यूअल फंक्शन के डमी वेरिएबल्स टी वन ये भी इक्वल टू जीरो है, टी टू ये भी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है प्राइमल फंक्शन के ओरिजिनल वेरिएबल्स एक्स वन ये नॉट इक्वल जीरो होगा, एक्स टू ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, टी थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब एक्स थ्री इक्वल टू जीरो होगा, ये तीन वैल्यूज। अब जो ड्यूअल फंक्शन के ओरिजिनल वेरिएबल्स थे वाई वन वाई टू ये दोनों नॉन जीरो थे, नॉट इक्वल टू जीरो थे, इसलिए प्राइमल के जो डमी वेरिएबल हैं एस वन ये इक्वल टू जीरो होगा, एस टू ये इक्वल टू जीरो होगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, ड्यूअल फंक्शन के डमी वेरिएबल्स को आपने कंपेयर करना है प्राइमल फंक्शन के ओरिजिनल वेरिएबल्स के साथ, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के साथ। ड्यूअल फंक्शन के ओरिजिनल वेरिएबल्स को आपने कंपेयर करना है प्राइमल फंक्शन के डमी वेरिएबल्स के साथ, ठीक। अब यहां पे ये तीन वैल्यूज इक्वल टू जीरो निकल आई हैं, एक एक्स थ्री एक एस वन एक एस टू, इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास जीरो हैं। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में वैल्यूज पुट करने से एक्स
एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री जीरो है, माइनस एस वन भी जीरो है, इक्वल टू 12। तो ये दोनों खत्म हो गई टर्म्स, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 12। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन बी, इसमें वैल्यूज पुट करने से 2x1 प्लस 4x2 प्लस ये जीरो हो गया माइनस ये जीरो हो गया इक्वल टू 42। 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 42। ये आपकी दो इक्वेशन निकल आई, एक को सी कह दें एक को डी कह दें। इक्वेशन सी और डी को आपस में सोल्व किया तो आपने x1 और x2 की वैल्यूज यहां से निकाल लेनी है। तो इक्वेशन सी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन डी में माइनस कर दूंगा, डी माइनस 2 टाइम इक्वेशन सी। तो ये बन गया 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 24। ये वाली मैंने एज इट लिखी, 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 42। इक्वेशन को माइनस किया तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज, x1 कैंसल, माइनस 2x2 इक्वल टू 24 माइनस 42 माइनस 18। माइनस माइनस के साइन कैंसल, ये 2 किससे कटिंग हो गई, x2 इक्वल टू 9 निकल आया। अब इस x2 की वैल्यू को इक्वेशन सी या डी में से किसी एक में पुट करेंगे तो x1 भी निकल आएगा। मैं इक्वेशन सी में पुट कर रहा हूं, x1 प्लस 9 इक्वल टू 12, x1 इक्वल 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3 निकल आया। तो ये हमारे पास x2 और x1 की वैल्यूज निकल आई। x3 तो हमें पता है, वो विद द हेल्प ऑफ ड्यूअल फंक्शन हमें पता चला लिया था कि ये इक्वल टू 0 है। अब इन तीनों वैल्यूज को प्राइमल के प्रॉफिट फंक्शन में पुट करने से, प्राइमल का प्रॉफिट फंक्शन है जिसे हमने मैक्सिमाइज करना था, प्रॉफिट इक्वल है 3x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो प्रॉफिट आ गई आपकी 3 इंटू x1 3 है, प्लस 4 इंटू x1 9 है, प्लस 3 इंटू ये 0, 9 प्लस 36। तो प्रॉफिट आपकी आ गई 45। प्राइमल फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड, तो आपका ये प्राइमल फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है। इस प्राइमल फंक्शन मैक्सिमाइजेशन के कोरिस्पोंड ड्यूअल फंक्शन वो भी आपका मिनिमाइज हो रहा है। इन दोनों का रिजल्ट सेम है। ये ड्यूअल फंक्शन है 12y1 प्लस 42y2, इसमें y1 और y2 की वैल्यूज पुट की तो पाइस्टेरिक का रिजल्ट भी हमारे पास 45 है। ड्यूअल फंक्शन इज मिनिमाइज्ड, तो हमारा प्राइमल फंक्शन भी मैक्सिमाइज हो गया है, ड्यूअल फंक्शन भी मिनिमाइज हो गया है। प्राइमल फंक्शन के प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू ये भी 45 है, ड्यूअल फंक्शन के प्रॉफिट स्टेरिक की वैल्यू वो भी 45 थी। इन दोनों फंक्शंस का आंसर सेम होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपने प्राइमल एंड ड्यूअल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जब भी आपको एग्जाम में आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस इसको तमाम ध्यान से जरा कॉन्सेप्ट समझ लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में लग गई होगी और पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदा।